मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी, कानून मंत्री पीसी शर्मा और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भोपाल के शूटिंग अकादमी पहुंचे, जहां तीनों मंत्रियों ने राइफल हाथों में थामकर खिलाड़ियों के बीच निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आजमाइश की। इस दौरान एक महिला खिलाड़ी ने राइफल अपने हाथों में थामकर निशाना दो बार सही लगाया, जिसकी तारीफ मंत्री जीतू पटवारी ने की। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, शूटिंग अकादमी पहुंचे खेल मंत्री जीतू पटवारी, इस दौरान उनके साथ कानून मंत्री पीसी शर्मा और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भी मौजूद रहे और इस दौरान राइफल हाथों में थामकर निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, तीनों ही मंत्री जिन्होंने एक एक कर राइफल थामी और निशाना लगाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि एक महिला खिलाड़ी ने राइफल अपने हाथों में थामी और दो बार सही निशाना भी लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि देश में मध्य प्रदेश नेशनल गेम्स में नंबर वन है और विश्व में कम से कम अभी जो 2020 हमारा ओलंपिक हो रहा है उसमें 20 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के पार्टिसिपेट करें, अलग अलग इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में इवेंट हो और उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर उस लायक बने। आज शूटिंग रेंज को हम डेवलप और इसका चरण बढ़ाने के लिए और हॉकी का नया विस्तार करीब 30 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हमने किए हैं, उस सुविधाओं को इस स्तर पर लेके जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स यहाँ पे हो और उससे हमारे खिलाड़ियों को अवसर मिले। और मैं मानता हूँ कि उसके लिए एक मील का पत्थर ये प्रयास हुआ है। हनी हमारा पुराना खिलाड़ी रहा है तो इसको अवसर हमने ज्यादा दिए